हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो लिब्रा ऑफिस कैल्क की है और आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि हम रैंक कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रैंक कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं और यहाँ मार्क्स है इनका और यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है रैंक। इस मार्क्स के हिसाब से रैंक कैलकुलेट करना, तो चलिए ये करते हैं। देखते हैं कि ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसमें मार्क्स जो आए हैं उसके हिसाब से इनका रैंक क्या है। तो यहाँ पे रैंक फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? रैंक। तो यहाँ पे देखिए रैंक, और यहाँ ध्यान रखिएगा टैब काम नहीं करता है। तो रैंक लगा दिया, और रैंक लगाने के बाद ये पहला वाला मार्क्स सेलेक्ट करना है और कॉमा देना है। और कॉमा देने के बाद यहाँ पर पूरा डिटेल ये सेलेक्ट कर जाइए, हर एक मार्क्स को सेलेक्ट कर जाइए। और क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो यहीं पे गलती हो जाती है, और यहाँ पे जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ रैंक तो आपको आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जैसे इसको ड्रैग करेंगे ना तो हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि यहाँ पे देखिए 89 है तो वन रैंक दिखा रहा है, यहाँ 87 को भी वन रैंक दिखा रहा है, यहाँ 80 को भी वन रैंक दिखा रहा है। दिक्कत होता है जब 55 को भी वन रैंक दिखा रहा है। तो सबको वन रैंक दिखाएगा तो कैसे काम चलेगा, गड़बड़ हो जाएगा, फॉर्मूला सही नहीं है। तो यहाँ पे F2 करके क्या करना है, आपको फ्रीज कर लेना, ये जो हिस्सा है ना यहाँ पर आपको फ्रीजिंग करनी है। तो रो और कॉलम हर एक को फ्रीज कर लीजिए। यहाँ पे डॉलर लगा दिया सी के पहले, फिर 5 के पहले डॉलर लगाइए, 5 के पहले भी हो गया तो फिर सी के पहले फिर लगाइए डॉलर, और सी के पहले हो गया तो फिर 10 के पहले ठीक पहले डॉलर लगा दीजिए। बस यही करना है आपको। अब एंटर प्रेस करना है। अब देखते हैं कि रैंक कैसे सही से नहीं कैलकुलेट होता है। तो यहाँ से इसको ड्रैग कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जैसे जिसका मार्क्स है उसके हिसाब से उसका रैंक कैलकुलेट होकर आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी कि इसे लिब्रा ऑफिस कैल्क में करना है तो किस तरीके से करना है। आसानी से हो जाएगा, जैसे एक्सेल में है वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।